ठीक है, नीरज जी हमारे साथ बने हैं। नीरज जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि कहा जा रहा था कि बड़ी जल्दी अब इसराइल जो है बड़ी कार्रवाई, क्योंकि हमले तो हो रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल का ये मामला सामने आया है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई कि गाजा पे हमें कब्जा करना है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू से? एक बड़ी आम भाषा में हम पूछें कि हाँ आप जाइए कार्रवाई करिए, कब्जा करिए, क्योंकि दुनिया के सामने तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं गाजा पे कब्जा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रवि, देखिए जो बाइडेन जब जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि आपके जो लड़ाई है आपकी हमास के साथ है, जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके साथ है, आपको जो भी कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ करें। और हम लोग जानते हैं कि अगर गाजा पट्टी पर अटैक करता है इसराइल, जिस तरह की घेराबंदी उन्होंने पूरी कर रखी, सीज कर रखा है नॉर्दर्न गाजा पूरा उन्होंने कर रखा है, तो उसमें जो आम नागरिक हैं वहाँ के हताहत हो सकते हैं। 11 लाख के करीब जो लोग बताए जा रहे हैं कि जो नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं, और उनको अगर माइग्रेट भी किया जाएगा उनको सदर्न गाजा की तरफ, और इजिप्ट ने वहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया है कि किसी को आने नहीं दे रहा है वो अपनी, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? और जो हमास है, अभी मैं बता दूं आपको, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल एम्बेडेड है इन गाजा में रेसिडेंशियल एरियाज में, जहां पर जहां हाई राइज बिल्डिंग्स है उन्हीं में उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहीं से वो रॉकेट फायर करते हैं। कोई अलग जगह नहीं है, कहीं पर ऐसा कैंप नहीं है जहां पर लिखा हुआ कि हमास की छावनी में आपका स्वागत है। वो उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं उनके साथ, उनके बीच में रहते हैं। टनल्स जो बनी हुई है वो उन्हीं हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे बनी हुई है, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो अगर ये जो आर्म फोर्सेस हैं, आईडीएफ जो है इजराइल डिफेंस फोर्सेस, अगर ये मूव करती है अंदर की तरफ मूव करती है, तो उससे क्या होगा कि जो वहां के लोग हैं वो भी हताहत होंगे। जो बाइडेन इसीलिए जा रहे हैं वो कहने के लिए कि आपकी लड़ाई अगर हमास के साथ है तो आम नागरिकों को आप बख्श दें। इसीलिए अल्टीमेटम भी दिया जब जो बाइडेन ने कहा कि आप कब्जा नहीं करेंगे गाजा पे, उसके बाद ही जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम 24 घंटे का, फिर वो बढ़ाते रहे अल्टीमेटम, वो इसीलिए कि लोग यहां से निकल जाएं। और हम लोग देख रहे हैं जो अस्पताल पर जो अटैक हुआ है रवि, वहां सिर्फ जो घायल लोगों का इलाज नहीं चल रहा था, जो लोग मूव करके आए हैं वहां पर, क्योंकि गाजा सिटी के आसपास है ये जो जो हॉस्पिटल है, जो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पर आम लोग जो है शरण लिए हुए थे यहां पर इस जगह पर, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां मारे गए, सिर्फ घायल ही लोग नहीं मारे गए। ठीक है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीप दहिया साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। ठीक है, तो मेरा आपसे सिर्फ यही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा आज है, और ठीक उससे कुछ घंटे पहले अस्पताल पर अटैक हो जाता है और 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, और अब दोनों मुकर रहे हैं, उधर हमास भी मुकर रहा है, इजराइल तो कह रहा है ये तो मिसफायर हुआ है हमास की तरफ से, तो क्या ये माने कि इतना बड़ा मिसफायर हो सकता है? नहीं, इतना बड़ा मिसफायर नहीं हो सकता है। दीज आर वेरी एक्यूरेट वेपन्स, जो टेक्नोलॉजी में इसराइल के पास बहुत सशक्त टेक्नोलॉजी है, और ये अब ये कहना कि हॉस्पिटल पे गलती से अटैक हो गया, दैट इज वो तो गलत होगा। जो विजिट का जो इसका जो ताल्लुकात है, जैसे कि मैं पहले बताना चाह रहा था कि अभी जो सारा फोकस है ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जाना चाहिए, और रफा की जो बॉर्डर ओपनिंग है उसको खुला जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इसराइल जो चाह रहा है, जो कि स्कॉच अर्थ पॉलिसी बोलते हैं, जिसके कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाए, ये पहले भी हम वियतनाम में देख चुके हैं, और उससे पहले भी ये इतनी कामयाब स्कॉच अर्थ पॉलिसी कभी इतनी कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना आप उसको पूरा नस्ते नाबूद करने का जो विचार है वो बहुत ही गलत है। और इसके अंदर अभी जो फोकस है हमास की तरफ से, तो उसका एम तो अचीव हो गया है, क्योंकि अभी पूरा अरब वर्ल्ड कंसोलिडेट करने लग गया है, जो कि इस लड़ाई से इस हमले से पहले वो एक दूसरी दिशा की तरफ जा रहा था, उनका एम अचीव हो चुका है। अभी इसराइल को अपना एम कैलिब्रेट करना है, उनकी ये कॉस्ट वाली वैकेट करके सदन स्ट्रिप में चले जाइए और हम फिर सब कुछ बर्बाद कर देंगे, ये कोई वाजिब स्ट्रेटेजी नहीं होगी। ठीक है नैन साहब, जिस तरह से दहिया साहब भी कह रहे थे कि भाई हमास ने तो अपना एम जो है वो हासिल कर लिया, जिस तरह से अटैक किया था एक इसराइल की पूरी इंटेलिजेंस को जो था वो पूरी तरह से निस्ता नाबूद कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि अब पलटवार इसराइल कर रहा है, तो ये इसराइल कहां तक जाएगा? ये सवाल भी है कि इसराइल का एक्शन ये कब रुकेगा, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? देखिए, इसराइल वही करता है जो अमेरिका करता है। अगर अमेरिका ने कहा है कि आप वहां कब्जा नहीं करेंगे तो कब्जा नहीं करेगा, लेकिन वो इस जगह को इनहैबिटेबल जरूर बना देगा, रहने लायक नहीं छोड़ेगा, कि दोबारा से कभी यहाँ पे पनप ना पाए हमास, उतनी कोशिश उसकी जरूर हो। अब जो कल अलही अरब अस्पताल के अंदर जो अटैक हुआ है, मैं दीपक वोरा साहब की बात का समर्थन करना चाहूंगा कि जो चीजें दिखाई दे रही उसको वैसे ही मत,
उसके पीछे कुछ और है। क्यों ईरान सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के कुछ चंद घंटे पहले ही क्यों अटैक करेगा और क्यों ऐसा हादसा करेगा? देखिए दो दो पहलू हो सकते हैं, या तो ईरान नहीं चाहता, सॉरी इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी हालत में जो मीटिंग होनी थी जॉर्डन के अंदर उसमें शायद वो कहते कि भाई आपको हम ये रिहा कर देते हैं जो आपके बंधक है और आप आगे अटैक करना बंद कर दो। ये इसराइल को मंजूर नहीं, मैं आपको रिपीट करता हूं, मंजूर नहीं। इसराइल का अब पैशन बन चुका है, सिर्फ दुख नहीं है, पैशन तक बन चुका है कि अब हमास को नहीं छोड़ना है, उनका विजन है बिल्कुल अब ये, तो उसको पीछे नहीं हटने वाला बिल्कुल भी। अब रही बात दूसरा, और नाम लिया जा रहा है पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद का, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के जननी कौन है? ईरान 1981 में। तो इसका मतलब बेसिकली एम किस पे डाला जा रहा है? ईरान पे, कि हमने ये अटैक नहीं किया। ये इस बात को डिसरप्ट करने के लिए जो होने जा रही थी, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं कल जॉर्डन जाएंगे, सबको खेल खराब करने के लिए ईरान ने कुछ हंगामा करवाया है, ये वहां हिंट दिया जा रहा है। और रही बात इजिप्ट की, देखिए इजिप्ट में राफा बॉर्डर के ऊपर 7 एंट्री पॉइंट है, 6 एंट्री पॉइंट जो है वो इसराइल ने बंद किए हुए हैं, 1 एंट्री पॉइंट खुला हुआ है। अब वो क्यों खुला हुआ है? थोड़ी बहुत रसद आने के लिए। इसराइल रसद अंदर क्यों नहीं आने दे रहा? ट्रक बाहर क्यों खड़े हैं? तो इसराइल कहता है कि फिलिस्तीनी को आप क्यों नहीं लेते हो? ह्यूमैनिटेरियन का ठेला ठेका हमने ले रखा है क्या? अगर आपको इतनी इनसे हमदर्दी है तो आप गेट खोलो, हम छोड़ते हैं इनको, आप लीजिए इनको। तो उसके ऊपर भी बात होनी थी। तो यहाँ बात यहाँ अटकी हुई है कि एक तो आप जो सामान अंदर भेजोगे उसमें क्या असला है, क्या है क्या नहीं है, हम क्या इसी चक्कर में रह जाएंगे? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नैन साहब, नैन साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी इंटेलिजेंस चूक जो है इसराइल में हुई है। इन सब के बीच ईरान हमें पता है कि किस तरह से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, हमास की मदद कर रहा है, और अमेरिका किस तरह से इसराइल की। वोरा साहब से मैं भारत का नजरिया भी जानूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ी सी कमी, उसके बाद लौटेंगे, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज 24।